सो वेलकम बैक टू लूना टिकटॉक। सर एनिमेशन सीरीज का ये 34th एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग 3D स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि ZBrush। तो इनके अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है एनिमेशन सीरीज के हिंदी में, आप उन्हें जाके एक्सेस कर सकते हैं। इवन मैंने 3D और VFX की सेपरेट प्लेलिस्ट पे बना के रखी, आप उन्हें भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So, ZBrush एक इंटरेस्टिंग अमेजिंग सुपर थोड़ा सा टफ 3D स्कल्पिंग सॉफ्टवेयर। अब मैं ये अज्यूम कर वीडियो बना रहा हूँ कि आपको स्कल्पिंग का मतलब पता है, बट इनके साथ अगर आपको स्कल्पिंग का मतलब नहीं पता कि ये बेसिकली स्कल्पिंग होती क्या है, तो मडबॉक्स वाली वीडियो में मैंने स्कल्पिंग को बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया था, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ZBrush एक डिजिटली स्कल्पिंग 3D सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप 3D में किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर कैरेक्टर को डिटेल मॉडल कर सकते हैं स्कल्पिंग के थ्रू एंड एक नेक्स्ट लेवल आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ आप हाई रेजोल्यूशन मॉडल्स भी बना सकते हैं जो बेसिकली यूज होते हैं मूवीज, गेम्स, टीवी शो और एनिमेशन इंडस्ट्री में। एंड जो भी डिटेल आउटपुट आप ZBrush के थ्रू जनरेट करते हैं उन्हें आप नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट और भी कई अलग अलग तरह के मैप्स के थ्रू किसी और 3D सॉफ्टवेयर में इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके हो गए माया, 3ds मैक्स, हुडनी, ब्लेंडर, सिनेमा 4D एक्सेट्रा, और वहां पर उन मैप्स को अपने मॉडल पर इजीली अप्लाई करके उन्हें रेंडर कर सकते हैं। ZBrush के थ्रू अपने मॉडल पे माइनर से माइनर डिटेल ला सकते हैं, फिर चाहे वो मस्कुलर डिटेल हो या फिर फेशियल डिटेल्स, फेशियल एक्सप्रेशंस हो, आपको नसें दिखानी हो और भी अलग अलग और भी नेक्स्ट लेवल डिटेल्स आप अपने मॉडल पे इजीली अचीव कर सकते हैं ZBrush के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टूल्स के थ्रू। अब बात करते हैं ZBrush के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो इसे काफी ज्यादा यूनिक और काफी अलग बनाता है और किंग बनाता है स्कल्पिंग सॉफ्टवेयर की कम्युनिटी का। नंबर 1, 3D ब्रशेस। ZBrush आपको प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ 3D ब्रशेस जो आपको हेल्प करते हैं अलग अलग एट्रीब्यूट्स, इंटेंसिटी, साइज और हार्डनेस को अचीव करने में अपने मॉडल पे। नंबर 2, पॉली पेंट। ZBrush पे आप बिना टेक्सचर अप्लाई करे भी किसी भी मॉडल पे डायरेक्टली पेंट कर सकते हैं। नंबर 3, ट्रांसपोज, यानी कि ZBrush में आप बिना रिग करे अपने मॉडल को, जो भी आपने मॉडल स्कल्प किया है बनाया है, मॉडल के किसी भी पार्ट को आप आइसोलेट कर उसे पोज कर सकते हैं, उसे पोज दे सकते हैं। और वो जेड बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, फीचर है ZBrush का, जो बेसिकली करता क्या कि जो भी मॉडल आपने ZBrush में क्रिएट किया है उसका ऑटोमेटिकली एक शेडिंग नेटवर्क क्रिएट कर देता है और मैप्स को प्रॉपर जगह पे अप्लाई कर देता है। नंबर 5, रेंडरिंग। इवन आप ZBrush में अपने मॉडल को रेंडर भी कर सकते हैं विद डिफरेंट एनवायरमेंट्स एंड लाइट्स प्रीसेट्स के अलावा, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे फाइबर मैश, डायना मैश, ZRemesher एंड शेडो बॉक्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे ZBrush कितना प्रेफर किया जाता है, तो ZBrush इज द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ एनिमेशन इंडस्ट्री। हाईली प्रेफर किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पे, चाहे वो मूवीज के लिए हो या फिर गेम्स के लिए, टीवी शोज या फिर एनिमेशन मूवीज या एनिमेशन वीडियोस के लिए, हर जगह बेसिकली ZBrush को ही प्रेफर किया जाता है, हर जगह इसी का जलवा है। अब बात करते हैं ZBrush को आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो ZBrush जो कि प्रोडक्ट है पिक्सोलॉजिक का, बेसिकली इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर ZBrush को एक्सेस कर सकते हैं, उसे परचेस कर सकते हैं। इसके मंथली और एनुअल सब्सक्रिप्शन वहां पर अवेलेबल है। इवन आप इसका 30 डेज ट्रायल वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हो तो बेसिकली ZBrush या फिर कहो पिक्सोलॉजिक आपको प्रोवाइड करता है ZBrush का एक नॉन कमर्शियल वर्जन विथ द स्टूडेंट लाइसेंस, जिसे आप डाउनलोड कर इजीली यूज कर सकते हैं। हालांकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस होगी, लिमिटेशंस होगी सॉफ्टवेयर की, लेकिन बेसिक स्टार्ट के लिए, सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्जन है नॉन कमर्शियल वर्जन ऑफ ZBrush। सो ये था एक छोटा सा वीडियो ZBrush के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय लूना टिकटॉक्स।